नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यूपीपीसीएस आरओएआरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को निर्धारित है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में कुछ सहयोग हम भी आपको प्रदान करेंगे। आज विलोम शब्द का 8वीं क्लास है। इससे पहले हम 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो सभी लोग पेन पेपर लेकर आ जाएं और अपनी तैयारी को धार दें और देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए, पहली स्लाइड है असीम। असीम का क्या अर्थ होता है बताइए, सोचिए। असीम, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, बिना सीमा के, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं तक भी, अनंत सीमाओं तक। जैसे ब्रह्मांड असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ससीम, सीमा के साथ, ठीक है, एक बाउंड्री। सीमा के साथ मतलब एक बाउंड्री, ठीक है, उसकी एक सीमा है, उसके बाहर उसको नहीं जाना है। अतिवृष्टि, अति का मतलब होता है अधिक और वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। तो जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और इसीलिए इसका विलोम शब्द है अनावृष्टि। अनावृष्टि में वर्षा कम होती है, अनावृष्टि, अना माने कम, ठीक है, और वृष्टि माने वर्षा। अल्पायु, अल्पायु में क्या होता है, जिसकी उम्र कम हो, अल्पायु। यदि कोई व्यक्ति जो है कम उम्र में ही वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसे अल्पायु कहते हैं, ठीक है। और यहीं कि कोई ज़्यादा 90 साल 80 साल जी रहा है तो वो दीर्घायु है, ठीक है। अवर का मतलब होता है कनिष्ठ, मतलब छोटा। पद का जो क्रम होता है, जैसे कि एक कनिष्ठ होता है, एक ज्येष्ठ होता है, ठीक, तो कनिष्ठ में छोटा होता है और ज्येष्ठ क्या होता है, बड़ा होता है। तो अवर छोटा है, जूनियर है, और इसका विलोम शब्द जो कि प्रवर होगा वो सीनियर है, ठीक है। तो अवर जो है वो जूनियर है और प्रवर क्या होगा, इसका सीनियर होगा। तो अवर का हो जाएगा प्रवर। आगामी, भविष्य में होने वाला, और इसका विलोम शब्द प्रगामी, जो हो चुका हो, ठीक है। आगे देखिए आकीर्ण, पहले विकीर्ण समझ लीजिए। विकीर्ण में क्या होता है, किसी एक पुंज से बहुत सारी जो प्रकाश है वो विभिन्न दिशाओं में चला जाए, ठीक है, वो विकीर्ण है। और आकीर्ण में क्या होता है, बहुत सारी दिशाओं से आया हुआ प्रकाश एक जगह पे आ जाए। तो आकीर्ण में इकट्ठा होने का सेंस है, विकीर्ण में फैलना। तो आकीर्ण का जो अर्थ है वो है इकट्ठा होना एक जगह पर आकर, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण। इसका अर्थ होता है फैलना, ठीक। उन्मीलन का क्या अर्थ होगा बताइए, इसका विलोम शब्द होता है निमीलन। उन्मीलन का अर्थ होता है खुलना, और निमीलन का अर्थ होता है बंद हो जाना। तो उन्मीलन जैसे नेत्रों का खुलना, उन्मीलन, और निमीलन मतलब बंद हो जाना, पलकों का बंद हो जाना। ऊष्मा का क्या होगा, शीतलता, इसको समझाने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है। उन्मीलन का जरूर ध्यान रखना, उन्मीलन का अर्थ होता है खुलना, ठीक है। तो अगर निमीलन ऑप्शन में ना हो, कोई और ऐसा ऑप्शन हो जो बंद की सेंस करे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। कृष्ण पक्ष, देखिए महीने में दो पक्ष होते हैं हिंदू पांचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष होता है, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कुलदीप, जो कुल अपने कुल का नाम बहुत रोशन करे, अपने खानदान का नाम बहुत रोशन कर दे, वो क्या है, कुलदीप। और कुलांगर जो अपना खानदान बर्बाद कर दे, ठीक है, वो कुलांगर है। खगोल, खगोल में क्या होता है, जब ब्रह्मांड की स्टडी की जाती है, ठीक है, आकाशीय पिंडों की स्टडी की जाती है, तो वो खगोल है। और भूगोल, जब पृथ्वी पे रहने वाली चीज़ें, पृथ्वी के अंदर की चीज़ों की, पृथ्वी की सतह की चीज़ों की स्टडी की जाती है, वह भूगोल है, ठीक है। गुण कौन सा शब्द है, गुण वह शब्द है जिसमें बहुत कोई रहस्य है, सीक्रेट है, ठीक है। तो गुण में क्या है, बातें छुपी हुई हैं, सीक्रेट है, बातें छिपी हुई हैं, बातें सामने नहीं आई हुई हैं, मतलब एक सीक्रेट है, बहुत रहस्यमय है। और यही चीज़ इसका अपोजिट हो जाएगा प्रकट, जो सबके सामने हो। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड। चाटुकार, कोई व्यक्ति चाटुकारिता, झूठी प्रशंसा करके अपने पद में पदोन्नति कर लेता है, कि कोई व्यक्ति किसी की बेवजह तारीफ करता है, वो उस तारीफ के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाटुकारिता करता है। और इसका जस्ट विलोम शब्द होगा स्वावलंबी, जो चाटुकारिता ना करता हो, या स्वाभिमानी कह सकते हैं, स्वाभिमानी कहेंगे एक्जैक्टली। इसका शब्द जो होगा स्वावलंबी नहीं, वो अवलंबिक होता है, स्वाभिमानी होगा एग्जैक्टली, यस, स्वाभिमानी, जिसके अंदर स्वाभिमान हो,
स्वाभिमानी, स्वयं में अपना अभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे चाटुकार लोग होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोग उनसे क्या कहते हैं, वो सिर्फ चाटुकारिता में ही लगे रहते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, तो स्वाभिमानी इसका बिल्कुल सही होगा। अपने भूगोल में ज्वार भाटा पड़ा होगा, तो ज्वार का क्या होता है, भाटा। थल का क्या होगा, नभ। ये तो बहुत ईजी है। दाता, जो देन सकता हो, और शूम, जो कि बहुत कंजूस हो, इसका एक और बन जाएगा भिखारी। भिखारी किसी को दान नहीं दे सकता, जब उसके पास कुछ है ही नहीं वो दान क्या देगा, ठीक है। तो दाता, शूम, इसका एक अर्थ बन जाएगा भिखारी, ठीक है। तो दाता का क्या रहेगा, जो देने वाले, जिसके पास पैसा है वो दान, एक सफिशियंट अमाउंट में पैसा है उसके बाद वो दान दे रहा हो। और शूम, बहुत अत्यधिक कंजूस व्यक्ति जो होता है वो शूम कहलाता है, वो कुछ भी नहीं देता है। धरा, धरा का अर्थ यहाँ पे धरती से है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा गगन। पैना मतलब बहुत तेज, छुरी बहुत तेज होती है, ठीक है, जिसमें बहुत तेज धार लगी हो, ठीक, उंगली पे रखी और उंगली कट से कट गई, या नींबू पे रखा नींबू कट गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा। वहीं पर इसका विलोम शब्द होता है भोथरा। मोटा, कुंद, कुंद भी, पैने का कुंद भी होता है, ठीक है, तो एक भोथरा शब्द भी है, कुंद शब्द भी है इसका, कुंद शब्द भी होगा, ठीक है। तो पैना बहुत तेज, जिसमें धार है, तेज है, काटने की शक्ति है, ठीक है। औरस का क्या होगा, औरस का क्या होगा बताइए। शादीशुदा पति पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, वहीं इसका विलोम शब्द हो जाएगा दत्तक, ठीक है। तो दत्तक में किसी और माता पिता से उत्पन्न पुत्र को गोद लिया जाता है, या उत्पन्न संतान को गोद लिया जाता है, विशेष तौर पर यहाँ पे पुत्र का कोई मतलब नहीं है, संतान। जैसे जब कोई कोई कपल जो है कि कोई किसी और माता पिता से उत्पन्न संतान को गोद लेता है तो वो दत्तक है, और यदि किसी की अपनी संतान है तो वो औरस है। आपने सुना होगा खरा खोटा, खरा सोना, मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है, जिसमें, यहाँ पे खरे का मतलब क्रिस्पीनेस से नहीं है, यहाँ से गुड़ से मतलब है, जिसमें जो है बिल्कुल कोई दोष ना हो। और वहीं पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा खोटा, यानी कि खरा खोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा। तो खरा यहाँ पर जो है वो क्रिस्पीनेस से नहीं है, खरा खोटे से यहाँ पे मतलब है, तो खरा खोटा, ठीक है, तो खरे का खोटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, बेहतर तरीके से। खरा सोना, खरा, लोग अपने माता पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरा बेटा खरा सोना है, इस तरह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गुण हैं, ठीक है। और जो बुरा होता है तो वो तुमके तुम ही खोटे सिक्के हो, ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप बताइए, अपने आंसर्स कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप यूपी पीसीएस परीक्षा जो भी आयोजित होती हैं उन सभी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। आज विलोम शब्द की 8वीं क्लास थी, जल्दी आपके पास आगामी 2 क्लासेस भी आ जाएंगी और आपका लगभग हिंदी का आधा सेक्शन लेवल 2 का कंप्लीट हो जाएगा। सारे PDF और अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च बार में जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस चैनल का नाम और वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बाय बाय।